हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु यादव और आज आप सभी के लिए मैं लेके आया हूँ नई वीडियो। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्रोम की एक सीक्रेट सेटिंग्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो वो सीक्रेट सेटिंग क्या है मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखिए, स्क्रीन पे मैं जो भी लिखूँगा वो ये सर्च बार में लिखा आ जाएगा। देखिए, मैं यहाँ पर कुछ भी लिखना चाहता हूँ वो अपने आप सर्च बार में लिखा आ जाएगा। यहाँ पर आप कोई सिंबल भी ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, स्टार मैंने बनाया, स्टार आ जाएगा। मैं एक्सक्लेमेटरी साइन बनाता हूँ तो एक्सक्लेमेटरी साइन भी आ जाएगा। आपको सिंपली स्क्रीन पर ड्रॉ करना होगा, जो भी ये रियल अपने आप सर्च करके बता देगा आपको। जैसे मैं यहाँ पर ऐसे कर देता हूँ, यहाँ पर एक्स लिखा गया और ये देखिए, मैं ऐसे ये वाला सिंबल बना सकते हैं। आप कोई भी सिंबल बना सकते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आप स्क्रीन पे लिखेंगे और ये अपने आप आपको लिख के बता देगा। कुछ एक बार ये डिटेक्ट नहीं कर पाता है तो आप यहाँ से नीचे देख के डिटेक्ट करवा सकते हैं। यहाँ पर आपको नीचे दिखते हैं ऑप्शन। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ये वाला सिंबल ऑन करने के बाद मैं यहाँ पर और कुछ लिखना चाहता हूँ तो ये नीचे से आपको डिटेक्ट करके बता देगा। यहाँ पर आप स्पेस का ऑप्शन भी है और यहाँ से आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं जो आपने अभी टाइप किया। तो इस ट्रिक को आपको इनेबल कैसे करना है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो दोस्तों, इस ट्रिक को इनेबल करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले आप अपने क्रोम ब्राउज़र में जाएँ। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको जो गूगल की वेबसाइट है उस पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आप ऊपर सर्च भी कर सकते हैं google.com। वहाँ पर आपको ऐसा कुछ इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पर आप नीचे जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको सेटिंग्स का ऑप्शन दिखेगा। आप इस सेटिंग्स के ऑप्शन पर क्लिक करें। यहाँ पर सबसे ऊपर आपको फिर सर्च सेटिंग्स का ऑप्शन दिखेगा। आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा और यहाँ से आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको एक ऑप्शन दिखेगा हैंडराइट का। हैंडराइट वाले को आपको डिसेबल रहेगा आपके में, आप इसको इनेबल कर लीजिए। इनेबल करने के बाद यहाँ से आप इसको सेव करें और ये आपके पास ओके के लिए परमिशन मांगेगा। आप उसे ओके की परमिशन दे दें। ये देखिए, ओके करने के बाद ये लोडिंग होने के बाद नीचे एक सिंबल आता है जिसके बिहाफ पे आप इसके ऊपर लिख सकते हैं। आप अगर इस सिंबल को क्लिक नहीं करते हैं तो यहाँ पर देखिए आप कुछ भी नहीं लिख पा रहे हैं। मैं ऊपर से लोडिंग कर देता हूँ पर ये कुछ लिखा नहीं जा रहा है। और यहाँ पर आप अगर इस सिंबल पर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ मैं जो भी लिखना चाहता हूँ वो लिखा आ सकता है। अब मैं एक बार आपको जैसे लिख के दिखा देता हूँ। जैसे मैंने ये लिखा, ये आपके सामने लिखा आ जाएगा इस ट्रिक के अकॉर्डिंग। यहाँ पर आपके पास कोई भी कीबोर्ड या फिर कोई भी की बटन्स वगैरह कुछ नहीं होगा। यहाँ पर आपके पास सिर्फ एक स्पेस का ऑप्शन होगा और एक कट वाला एग्जिट वाला जो कि आपको इस जो भी आपने टेक्स्ट लिखा उसको एग्जिट कर देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ से आप इसकी और जानकारी लेना चाहते हैं तो आप इस क्वेश्चन मार्क वाले ऑप्शन पर जाके इसको चेक कर सकते हैं। और एक गूगल सर्च का एक ऐप होगा, वो आप इसको डाउनलोड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ से आप इसको, अगर आप इसको डिसेबल करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, सिंपली इस बटन पर क्लिक करें जिससे कि और कोई स्क्रीन पे आप जो भी टाइप करेंगे वो सर्च नहीं होगा। यहाँ पर फिर से आप सेटिंग्स में जाएंगे। सर्च सेटिंग्स में दोबारा जाने के बाद आपको यहाँ पर नीचे एंड्रॉइड वाले ऑप्शन पे डिसेबल करके सेव कर देना है। यहाँ पर आप ओके कर देंगे। ये लोडिंग होने के बाद देखिए, अब आपको ऐसे कुछ लिखा नहीं जाएगा, उससे कोई बटन नहीं आ रहा है नीचे, मतलब इसको आपको जो है कीबोर्ड में जाके ही सर्च करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट जरूर करें।